फ्रॉम पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज एंडलाइंस के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको खुशियामदीप एक चाइना ऐसी अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में लिया किसी जर्नेल ऐसी सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला अब मैंने इनके पीछे जाना अपना न लाइक को छुपाना

करोना वायरस की तीसरी लहर ने गुजत चौबीस घंटों के दौरान मजीद उनासी ज़िंदियाँ उजाड़ दीं मुल्क भर में अमवात की मजमू तादाद अट्ठारह हज़ार से तजावुज कर गई नए मनसूबों से माशी सरगर्मियों को फ़रोग और रोज़गार के मौाक़े पैदा होंगे वज़ी अज़म कहते हैं आइंदा बजट में तरक्याती मनसूबों के साथ महंगाई रोकने पर तोज़ह दी जाए हुकूमत ने 40 साल के शहरीों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि वैक्सीनेशन का अमल मरबूत हमत के तहत शुरू किया हुकूमत पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट दो हज़ार सत्रह में उनचास तब्दीलियां करने का ऐलान कर दिया बाबा रहवान और फवाद चौधरी कहते हैं इंतबी असलाहत ना हुई तो आइनी इदारों पर अदम इतमान का बहरान पैदा हो जाएगा पाकिस्तान के साथ आई एम एफ ने साजिश की वफाकी वजीर वफातीजाना शौकत तरीन कहते हैं आलमी मालियाती इदारे का बिजली टैरफ में इजाफे का मुतालबा नाजायज है ना स्टिकी ना, ना बदबू और मुकम्मल और हाथ नर्म मुलायम और साफ आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com कोरोना वायरस की तीसरी खतरनाक लहर मजीद उनासी जाने ले गई जबकि गुजशत चौबीस घंटों के दौरान मजीद चार हजार दो सौ तेरह अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है इस हवाले से मजीद जानते हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन शुमार के मुताबिक गुजशत चौबीस घंटों के दौरान पाँच हज़ार आठ सौ बयालीस मरीज कोरोना से सेहतियाब हुए हैं जबकि शिफा पाने वालों की मजमु तादाद सात लाख अट्ठाईस हजार चौवालीस तक पहुँच गई है कोरोना की तीसरी लहर से तबाही जारी है मोहलिक वायरस मजदूर उन्नासी जाने निकल गया चौबीस घंटे के दौरान चार हजार दो सौ तेरह अफराद में वायरस की तस्दीक हुई मुतासर अफराद की तादाद आठ लाख चौंतीस हजार एक सौ छियालीस तक जा पहुँची एक्टिव केसेस की तादाद सतासी हजार नौ सौ तिरपन हो है एन सी ओ सी के मुताबिक पाँच हजार तीन सौ सतहत्तर मरीजों की हालत तश्वीश है। आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब करोना से सबसे ज्यादा मुतासर सूबा है जहाँ मरीजों की तादाद तीन लाख छः हजार नौ सौ उनतीस है सिंध दो लाख पिचासी हजार छह सौ छब्बीस खैबर पख्तनख्वा एक लाख बीस हजार चौसठ और बलूचिस्तान में करोना केसेस की तादाद बाईस हजार सौ बीस है वजे अजम इमरान खान ने हिदायत की है कि आइंदा माली साल के बजट में मुस्कबिल की ज़रूरतों को मद्देनज़र नज़र रखकर तरक्याती मनसूबों की तश्ल के साथ महंगाई रोकने पर भी खसूस दी जाए इस हवाले से मर्जी जानते हैं वजीर अज़म की ज़र सदारत आइंदा बजट और मुल्क मीशत के हवाले से अली सतह का अजलास हुआ जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर वफाक वज्रा शाह महमूद क्रैशी परवीज़ खटक शफकत महमूद असद उमर फवाद चौधरी गवर्नर खैबर पा शाह फरमान वजीर अली खैबर पखतुनखा मोहम्मद खान सूबाई वज्रा हाशिम जम्म तैमूर सलीम झगड़ा और मतलब अला हुकाम ने शिरकत की वजीर अजम इमरान खान ने हिदायत की है कि आइंदा माली साल के बजट में मुस्तबिल की ज़रूरतों को मद्दनज़र रख कर तरक्याती मनसूबों की तश्ील के साथ महंगाई रोकने पर भी खूसी तोजा दी जाए अजलास में आइंदा बजट के हवाले से पार्टी की सीनियर क्यादत से तजावीज़ तलब की गई जबकि आइंदा माली साल के बजट पर तफसीली गुफ्तु गु हुई इजलास को बताया गया कि आइंदा माली साल का बजट तरक्याती बजट होगा जिसमें तमाम तर तो शराह में इजाफे पर होगी तरक्याती कामों को मजीद तेज करके नए मंसूबों का आगाज किया जाएगा जिससे मुआषी सरगर्मियों को फरोख मिलेगा और रोजगार के बेशुमार मौके पैदा होंगे जी डी पी का हजम बढ़ेगा और महसूल में भी इजाफा होगा इजलास को बताया गया की कोरोना की वजह ऐसी दुनिया भर की मीशत मुतासर हुई है ताहम हुकूमत की जाम पॉलिसियों की बदौलत मुल्की मीशत का पहिया रव है कोरोना वबा और हालिया स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद इस साल अप्रैल में महसूल की शराह पिछले साल ऐसी तकरीबन दुगनी रिकॉर्ड की गई है इजलास में वज़र आजम को महंगाई को रोकने के लिए बनाए गई जामत अमली से भी आगाह किया गया वजीर अज़म के मुआवन खूसी बरए तहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है की रवान साल सात करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ़ है नब्बे फ़ीसद हिफाजती दवा पाकिस्तान खरीदेगा मुफ्त और अतिया वाली वैक्सीन पर इसार का ता गलत है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में वजीर अजम के माबन खसूस बरएहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि चालीस साल के शहरीों की कोरोना वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया है जून तक एक करोड़ नब्बे लाख खुराके मिल जाएंगी इस्लामाबाद में ब्रीफिंग के दौरान कौमी सेहत के बारे में वजी अजम के मॉगन खी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा की रवा साल सात करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है नबे फीसद हिफाजती दवा पाकिस्तान खरीदेगा मुफ्त और अतिया वाली वैक्सीन आरोप इंसार का है। उन्होंने कहा की वैक्सीनेशन का अमल मरबूत हमत अमली के तहत शुरू किया वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ऐसी गुजश्ता साल ऐसी बातचीत जारी है कई ममालिक ने कोरोना वैक्सीन की बरामद पर पाबंदी लगा रखी है तहम अहदाब हासिल कर लेंगे इसमें लगातार कोशिश कर रही है कि इस मौजूदा मुश्किल सूरत हाल में जहां दुनिया भर में वैक्सीन की शॉर्टेज है मांगने वाले ज्यादा हैं प्रोडक्शन कम है उस सूरत में भी हमें आ, हम इसमें कामयाब हो रहे हैं अपनी वैक्सीनेशन को मुहैया करने में दूसरी जानब विफाकी वजी मनसूबाबंदी असद उमर ने खबरदार किया है की कि आइंदा चंद हफ्ते पाकिस्तान के लिए नाजुक है जिसके लिए बहुत एहतियात की जरूरत है उन्होंने कहा की दुनिया भर में यामिया केसेस नौ लाख ऐसी तजावुज कर चुके एक साल ऐसी जायद अरसे कोरोना की कारियाँ जारी है विफाकी उजरा फवाद चौधरी और बाबर अहमान ने कहा है की पाकिस्तान में जदीद धांधली का तूफान दो हजार तेरह में उठा बाईस सियासी जमातों ने इसको आर ओ का इलेक्शन कहा जबकि इलेक्शन एक्ट दो हज़ार सत्रह को खुद बनाने वालों ने कहा ठीक नहीं इस हवाले से मजीद जानते हैं विफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में विफाक वजरा फवाद चौधरी और बाबर आवान ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तब्दीलियों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की फवाद चौधरी का कहना था कि असल मामला इंतबाब और उसके नतयज पर एतम का है नू लीग ने कहा आरटीएस बैठा और धांधी हुई हमने हल्कों की निशानदही का कहा जो नहीं हुई अपोजीशन कहती है इलेक्शन कमीशन इस्तेहा में किरदार अदा करे लेकिन इंतजामी पर बात करना नहीं चाहती वजीर आजम ने इलेक्शन इस्ते बर रास्त अपोजीशन को दावत दी इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन से इलेक्शन का अमल शफाफ और तेज होगा ताहम ऑपोजीशन ने सारी उम्र पर्चियों की सियासत करके इकतदार हासिल किया है वजीर आजम साहब ने स्पीकर साहब को खत लिखा उन्होंने कहा की आप तमाम जो हमारी जमातें हैं उनको इकट्ठा करें और उन्हें कहें कि आइए हमारे साथ असलाहत करें उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने बरह रास्त की बर रास्त तो उन्होंने बयान जारी किया कि इसके ऊपर और को मिलके आगे आगे बढ़ना बढ़ना चाहिए अब हम जब चाह रहे हैं तो एक दफा फिर इसमें कौन रुकावट डाल रहा है इस मौके पर बाबर एवान का कहना था कि धान के इल्जाम को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं दो ऑप्शंस हैं कि जैसा सिस्टम चल रहा है चलने दें या इसको तब्दील करें वजीर अजम इमरान खान ने दूसरा रास्ता अपनाया और इंतजाम को ठीक करने का बेड़ा उठाया लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के लिए सेक्शन एक सौ तीन में तरमीम करने जा रहे हैं उनका कहना था की ओपोजिशन को हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मॉडल दिखाएंगे जिसको वो खुद मुंतखब करे इलेक्ट्रॉनिक मशीन मॉडल पी टी आई ने नहीं बनाए बल्कि कौमी इधारों ने बनाए हैं जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसके मुताबिक हमने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, उनके इस्तेमाल के लिए इलेक्शंस में सेक्शन 103 उसको हम कर रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि आई एम एफ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ टैरिफ बढ़ाने से महंगाई की शराह में इजाफा हो रहा है आई एम एफ से कहा कि गर्दिशी कर्जा कम करेंगे लेकिन टैरिफ बढ़ाना समझ से बाहर है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में विफाकी वजी खजाना शौकत तरीन ने कहा है की आई एम एफ ने पाकिस्तान के साथ ना नासाफी की है बिजली टेरिफ में उसका मुतालबा नाजायज है मीशत का पहिया चल नहीं रहा टैरिफ बढ़ाने ऐसी करप्शन बढ़ रही है फाजुल्ला कमोका की जेर सदारत कामी की कमेटी खजाना का अजलास जिसमे बात करते हुए वजी खजाना शौकत तरीन ने कहा की जी डी पी ग्रोथ पाँच फीसद तक न लेकर गए तो चार सालों तक मुल्क का अल्ला हाफिज है शौकत तरीन ने कहा की आई एम एफ के साथ बिजली टैरिफ पर बात करना इंतहा ज़रूरी है पार्लिमेंट की बाला दस्ती पर यकीन रखता हूँ उन्होंने कहा कि दो माह से महसूल में इजाफा हो रहा है मीशत की बहाली और इसकाम के लिए सख्त फैसले करना होंगे नए टैक्सेस के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने की जरूरत है हमारे मुल्क में शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्मशी पॉलिसी नहीं चीन तुर्की और भारत ने मौशी पॉलिसियों में तसलसल रखा हुआ है शौकत तरीन का कहना था की जरा सनत प्राइस कंट्रोल हाउसिंग सेक्टर में बेहतरी की जरूरत है सिर्फ सिफारिया पच्चीस फीसद हाउसिंग मार्गेज है हाउसिंग सेक्टर की बहाली से 20 दूसरी सनतों का पहिया चलेगा सेहत और तालीम के लिए बहुत कम खर्च किया जाता है वजीर ख़जाना ने कहा कि तमाम सूबों के महासिल का पिचासी फीसद नौ बड़े शहरों पर खर्च होता है डेट मैनेजमेंट की रीप्रोफाइलिंग की है जिन इदारों को नहीं चला सकती उनकी निजकारी कर दी जाए मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.